next chapter of Unit 4 is World Climate. Now today we will do the reading and explanation of this chapter. It is on page number 6 in your books. Now see World Climate. Now first you have to understand the meaning of climate. क्लाइमेट को अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देते हैं तो उसका मीनिंग आता है वेदर, वेदर. अब क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेट. अब क्लाइमेट का मीनिंग जो है क्लाइमेट, वेदर कंडीशन. क्लाइमेट का मीनिंग क्या है? वेदर कंडीशन. और वेदर का मतलब भी क्लाइमेट है. तो क्लाइमेट जो है हम किसी बड़े एरिया के मौसम को कहते हैं. और वेदर जो है वो फॉर पर्टिकुलर टाइम और प्लेस के लिए होता है और छोटे इलाके के लिए होता है. मतलब एक किसी मखसूस जगह के लिए और मखसूस वक्त के लिए जो होता है वो वेदर होता है. और क्लाइमेट जो होता है वो बड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए और बड़े इलाके के लिए होता है. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम. अ प्लेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. नाउ फर्स्ट हमें ये समझना होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है. इसके लिए हमें जो है आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा. इसमें फोर लाइंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. इस तरह तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल. तो ये जो है दुनिया जो है वो गोल है और जो है दुनिया के ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्थ पोल और नीचे का हिस्सा है वो साउथ पोल. इसी तरह फोर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो बहुत कोल्ड होते हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साल. अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर इज़ यूजुअली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर. नाउ इक्वेटर जो होती है वो दुनिया में यहाँ बीच में एक लाइन होती है. इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि इंसान ने अपने आप को दुनिया को अंडरस्टैंड करने के लिए इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं जिससे हम मैप्स बनाते हैं और जिससे हम जो है अपने उसको समझते हैं. अब आप देखिए ये नॉर्थ पोल है आर्कटिक ओशन और ये साउथ पोल है. यहाँ पर फोर डायरेक्शंस भी हैं और ये जो है इक्वेटर की लाइन है. अब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एरियाज होते हैं आपको नज़र आ रहा होगा वाइट हो रहे हैं, ये है स्नो को डिफाइन करता है. और जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वहाँ पूरा साल बर्फ रहती है और वहाँ पर सर्दी होती है. लेकिन जो क्लोज टू द इक्वेटर है, सेंटर ऑफ द मैप है, ऑफ द वर्ल्ड मैप है, उसके पास जो भी एरियाज होते हैं वो जो है बहुत गर्म होते हैं, वार्म होते हैं, हॉट होते हैं. वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. जैसे अफ्रीका है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नज़र आएगी. तो पहले हम इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे. अब आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर क्या होता है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो प्लेसेस होती हैं वो थ्रू आउट द ईयर कोल्ड होती हैं और इक्वेटर के पास जो प्लेसेस होती हैं वो थ्रू आउट द ईयर वेरी हॉट होती हैं. नाउ इन हॉट और कोल्ड क्लाइमेट्स का इफ़ेक्ट हमारे इस पे, इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट का हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट होता है. क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल इन द वे दे लिव. क्लाइमेट ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द क्लोथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट एंड द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम. In a warm climate, people can take part in outdoor and water sports. In cold climate, people can still take part in outdoor sports, but they mostly prefer to stay indoors and enjoy indoor games. In some parts of the world where there is a lot of rainfall and many trees, people use wood to make their houses. अब आपको ये देखना है कि effects of climate जो है वो हम पर किस तरह होते हैं. अब देखिए इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट्स में वे पीपल लिव, इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट्स मतलब अलग अलग इलाकों के रहने वाले लोग अलग अलग मौसम को बर्दाश्त करते हैं. इसीलिए उनका रहने सहने का तरीका भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. उनके क्लोथ्स, उनका फूड, उनकी गेम्स और उनके हाउसेस जो वो बनाते हैं डिफरेंट होते हैं. अब आपको पता है कि वार्म एरियाज़ में लोग पतले कपड़े पहनते हैं, ठंडे कपड़े पहनते हैं. और जो विंटर सीज़न वाले एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. गेम्स भी इसी तरह डिफरेंट होती हैं. और आपने देखा होगा आजकल सर्दी का मौसम है तो स्कीइंग की गेम जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो हमारे हैं सवात है, मरी है, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के गेम्स होते हैं. आप टीवी में उसको ज़रूर सर्च किया कीजिए.
अच्छा, हाउसेज हम जो बिल्ड करते हैं वो भी हमारे क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं। अब आप देखिए, ये वुडन हाउस है, इसकी जो है स्लोपी रूफ है, मतलब इसकी छत जो है वो स्लोपी है। इफ़ वी लिव इन ड्राई एरिया, वी बिल्ड हाउसेज विथ फ्लैट रूफ्स इन प्लेसेज दैट रिसीव अ लॉट ऑफ स्नो एंड रेन। द हाउसेज आर बिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ सो दैट रेन एंड स्नो कैन रन स्ट्रेट ऑफ। नियर द नॉर्थ पोल देर आर नो ट्रीज, सो द पीपल लिविंग द रीजन यूज टू मेक हाउसेज यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ स्नो। नाउ सी, अब आपको समझ आया कि जो रेनफॉल और स्नोफॉल जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, जहाँ पर ड्राई एरियाज होते हैं जैसे हमारा कराची है वहाँ पर जो है ज़्यादातर फ्लैट रूफ्स होते हैं। जैसे आपके अपने बिल्डिंग की या घर की छत ऐसी ही होगी और आपको पूरे कराची में मोस्टली 99% ऐसे ही नज़र आएंगे। इसी तरह जो लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रहते हैं जहाँ पर पूरा साल बर्फ़ होती है तो वहाँ ट्रीज़ ग्रो नहीं करते, तो वहाँ लोग बर्फ़ की ईंटें बनाकर उनसे जो घर बनाते हैं उसकी आप आइसक्रीम भी खाते हैं। यस, इट इज़ कॉल्ड इग्लू। नाउ सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन कोल्ड क्लाइमेट व्हाइल अदर्स ग्रो इन वार्म क्लाइमेट। मतलब जो क्रॉप्स, मतलब जो खेती बाड़ी होती है वो गर्म इलाकों की अलग होती है, क्योंकि कुछ क्रॉप्स जो है वो गर्म इलाकों में पैदा होते हैं और कुछ क्रॉप्स जो हैं वो ठंडे इलाकों में पैदा होते हैं। नीचे आपको यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि कौन सी क्रॉप्स कौन से एरिया में और कौन से मौसम में ग्रो करती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है टेम्परेचर। नेक्स्ट पेज पर द वर्ल्ड मैप शोज द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑन दिस मैप यू कैन सी द स्पेशल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। There, these are the Arctic Circle 66.5 degree north, the Tropic of Cancer 23.5 degrees north, the Antarctic Circle and Tropic of Capricorn. These lines are helpful in marking the major climatic zones of the world, the polar regions, the temperature regions and the equatorial regions. Now see, aapko nazar aayega yahan par polar regions, temperature, tropical and temperature. टेम्परेट, सॉरी, यहाँ पर है पोलर, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, अगेन टेम्परेट। ये इंसानों की बनाई हुई लाइंस हैं और नेम्स हैं जो हमने वर्ल्ड क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए दिए हैं। अब इस मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पर इसकी कीज़ को पढ़ेंगे। जो पर्पल, लाइट पर्पल कलर है वो है वेरी हॉट एंड वेरी वेट, डार्क पर्पल हॉट एंड वेट। इसी तरह डिफरेंट कलर्स हैं और उनके डिफरेंट क्लाइमेट्स लिखे हुए हैं कि इन इन कलर्स में जो रीजन्स आते हैं वहाँ पर किस किस्म का क्लाइमेट होता है। अब हम मूव करेंगे द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यू कैन फाइंड हियर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और पाकिस्तान कहाँ है? नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर की तरफ पैसिफिक ओशन के पास। The country covers a long stretch of land and the climate in one place is quite different from that in another. The hottest month is usually June. The average temperatures and the total annual rainfall for a few cities are given below. अब यहाँ सारे पाकिस्तान के सिटीज़ के नाम हैं, उनके जनवरी में क्या टेम्परेचर है, जून में क्या है और एनुअल रेनफॉल कितने मिलीमीटर्स है, ये सारा इसमें डिटेल्स दी हुई हैं जो आप पढ़ेंगे। दिस इज़ जैकबाबाद, क्वेटा, मुल्तान, नौकुंडी, कराची, लाहौर, पिशावर एंड मरी। नाउ द फिगर्स गिवन इन द टेबल ऑन पेज आर एवरेज टेम्परेचर्स। मतलब ये एवरेज है, ज़रूरी नहीं कि यही हो, ये एवरेज टेम्परेचर्स थे जो अभी हमने देखे। इसके बाद टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, डायरेक्शन, frequency of winds, the amount of water vapor, humidity in the air and other factors. मतलब क्लाइमेट को जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, मौसम जिस रीज़न की वजह से चेंज होता है वो है अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मतलब ज़्यादा बारिश होती है तो आपको मौसम अच्छा मिलेगा, ठंडा मिलेगा। इसके अलावा हवाएं, आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में हम कहते हैं उल्टी हवाएं चलती हैं, ऐसा अक्सर कहा जाता है, और तेज़ हवाएं चलती हैं। जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। और वाटर वेपर मतलब हवा में नमी जो आपको बताया जाता है वो है, और दूसरे अदर फैक्टर्स होते हैं लेकिन ये तीन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। द क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी थिंग्स,
Hills or mountains can stop rain from falling in some places. Strong winds can bring rain clouds to some areas. High up in the mountains, it is very cold. So even a place close to the equator can be cold if it is in the mountains. मतलब equator के पास जो place है वहाँ भी ठंडक हो सकती है क्योंकि वहाँ पर mountains है. तो mountains और hills की वजह से अब देखिए आप जाते हैं सवात मरी, तो वहाँ पर क्यों इतनी ठंड होती है? क्योंकि वहाँ पर mountains हैं. तो mountains पे जो places होती हैं वो बहुत cold होती हैं. To understand how climate affects people's life, we will look at some of the climatic regions of the world. These regions are the deserts, equatorial forest, grasslands, temperate forest and the polar regions. इसी तरह आपको अगर समझना है तो अब आप यहाँ पिक्चर्स देख सकते हैं कि अ वार्म वेट क्लाइमेट, जब गर्मी होती है वहाँ बारिश की वजह से पानी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर हॉट और ड्राई है, इतनी गर्मी होती है कि वहाँ बारिश होती ही नहीं है, इस वजह से वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है. तो वहाँ का लैंड जो है वो बिल्कुल ड्राई है, जैसे डेजर्ट्स होते हैं. तो अगर आप हर जगह का अपना अपना मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, ठीक है. तो ये बहुत शॉर्ट में हमने क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है. इसके बाद आपके